हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं उनके बारे में बताने वाला हूं तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पी -E इसकी शॉर्ट फॉर्म है और पी यू सी ई -E टी पी जी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप लोगों को देना पड़ता है और किन किन कोर्सेज़ के लिए पी यू सी ई टी पी जी है तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं अभी हमने ओपन किया हुआ है 2022 का प्रोस्पेक्टस और इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं कोर्सेज़ के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से कॉलेज में जो एफिलेटेड कॉलेज है पी यू कैंपस है उनके लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा पी यू सी ई टी पी जी सो अभी हम इसमें नीचे स्क्रोल करते हैं स्क्रोल डाउन करते हैं तो हमारे पास दूसरे तीसरे पेज पर ही ओपन हो हो जाता है नेम ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द कोर्स कोर्स नंबर ऑफ सीट्स और सीट्स फॉर एन आर आई फॉर नेशनल कैंडिडेट सो एल एल एम वन ईयर डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पी यू चंडीगढ़ ऑनली यही ऑफर यही करता है फोर्टी टू सीट्स एल एल एम वन ईयर सेमेस्टर सिस्टम सेल्फ फाइनेंस कोर्स और एल एल एम टू ईयर ये यू एल एस ऑफ़र करता है फ़िफ्टी सीट्स और ट्वेंटी फाइव सीट्स है जो कि आप लोगों को यहाँ पर ऑफ़र की जाती हैं पी यू सी ई टी पी जी आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा इसके लिए भी और एल एल एम टू ईयर यू एल एस और रीजनल सेंटर में है एल एल एम है उसके बाद एम सी ए है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि एम सी ए कहाँ कहाँ दिखा रखा है डिपार्टमेंट ऑफ़ कंप्यूटर एंड पी यू पी यू रीजनल सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद इवनिंग सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ़ कंप्यूटर साइंस तो एम सी ए यहाँ पर आप देख सकते हैं सीट्स भी आप साइड में देख सकते हैं मैं आप लोगों को कोर्स कोर्स के नाम पढ़ करके बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्स जो है वो आप लोगों को मिलते हैं पी यू के अंडर और सीट्स आप साइड में देख सकते हैं और कौन कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन से कॉलेज में आप लोगों को मिलेगा वो भी आप लोग देख सकते हैं एम ए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन टू ईयर का कोर्स है तो ये इस पर थर्टी सीट्स आप लोगों को मिलते हैं एम ए इन पब्लिक हेल्थ एम ए इंग्गलिश जियोग्राफी मास्टर्स इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट मास्टर इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एम ए हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पी यू और एम ए इकनॉमिक्स मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क सेंटर फॉर सोशल वर्क यू आई ई एस एस एम ई केमिकल एम ई फूड टेक्नोलॉजी केमिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एम टेक पोलीमर और एम एस सी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री सो ये भी आप लोगों को कोर्सेज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं इसके बाद है एम ई -E, फिर से फिर से एम ई एम ई एम ई एम ई और ये एम ई -E के जितने भी कोर्स हैं मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग के तो आप लोग देख सकते हैं इसे उसके बाद आप लोगों का आता है एम टेक उसके बाद फिर से एम ई -E, उसके बाद है एम कॉम बिजनस इकोनॉमिक्स तो ये आप लोगों को डी ए वी कॉलेज और गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन लुधियाना एम कॉम यहाँ पर आपको मास्टर्स ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड फैमिली बिजनेस एम कॉम ऑनर्स अंडर ऑनर्स स्कूल सिस्टम एट यू बी एस और एम कॉम बिजनस इनोवेशन एम कॉम एम बी ए है एम बी ए के लिए पी यू सी टी पी जी कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके बाद है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिवस और मास्टर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन बैचलर ऑफ़ फ़िज़िकल एजुकेशन बायो केमिस्ट्री बायो फिज़िक्स कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स फिजिक्स स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है इसके बाद है एमएससी एस टू ईयर कोर्स आप लोगों को बायो इन्फॉर्मेशन में केमिस्ट्री इन्वायमेंट साइंस ह्यूमन जी मैथेमेटिक्स में आ जाती है एम आप यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा कि एम जो टू ईयर कोर्स है वो आप लोगों को किन किन सेंटर्स पर प्रोवाइड करवाया जाता है इसके बाद है एम अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ ऑनर्स को सिस्टम एम एस टू ईयर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसका भी आप स्क्रीन ले लीजिए केमिस्ट्री का है और उसके बाद यहाँ पर फिजिक्स का आप देख लीजिए कौन कौन सी जगह आप कर सकते हैं जूलॉजी का देख लीजिए और ये सारे आप लोगों के कोर्सेज़ थे जो कि आप लोगों को पी यू सी ई टी पी जी के अंडर मिलते हैं इसके बाद मैं आप लोगों को इनके एंट्रेंस टेस्ट के वेटेज भी दिखा देता हूँ ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा और वीडियो को आप यहीं पर रोक करके भी पढ़ सकते हैं कि आपको एंट्रेंस के कितने परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे और आपकी प्रीवियस एग्जामिनेशन जो है उसके कितने मार्क्स मिलेंगे जो आपने लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उसकी वेटेज कितनी है, सो so, आप इसे देख लीजिए सो फ्रेंड्स अगर आप एंट्रेंस में एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या पंजाब यूनिवर्सिटी और इसके एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी चैनल के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सी यू सोन इन अनदर वीडियो